Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. वो कई बार बोल चुके हैं। अच्छा आप बताओ। नहीं नहीं आप देखिए मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो। माफिया कौन लगे ये बता दो। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। माफिया या मठाधीश, ये मामला पर्सनल होता जा रहा है। ये मामला अब अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच खिंचता चला जा रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि मेरी तस्वीर लीजिए, उनकी तस्वीर लीजिए, बताइए कौन माफिया लगता है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि संत परंपरा को माफिया कहते हैं, ये इनकी परवरिश बता रही है। इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके विरोधी दल के नेता यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त आमने सामने हैं और मुद्दा है माफिया और मठाधीश। दरअसल अखिलेश यादव ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं होता। वो कई बार बोल चुके हैं। अच्छा आप बताओ। नहीं नहीं आप देखिए मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो। माफिया कौन लगे ये बता दो। इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया। उनका हमला सीधा योगी आदित्यनाथ की ओर था। योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे बयान को संत परंपरा से जोड़ दिया। अयोध्या में भी योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये संत परंपरा को माफिया बता रहे हैं। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं, संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। जहां एक तरफ योगी से संत परंपरा से जोड़ रहे हैं तो अखिलेश यादव योगी को सीधे माफिया बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सपा और मैं कभी भी किसी संत महंत का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन वो तो मठाधीश हैं। माफिया, मठाधीश, एसटीएफ, स्पेशल ठाकुर फोर्स या कहिए स्पेशल ठोको फोर्स या पीडीए, लगातार इन पर उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स गर्म है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश और योगी आमने सामने हैं उसकी चर्चा तेज है कि क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी की कोशिश कराते हुए सफल साबित होंगे या अखिलेश यादव अपने नैरेटिव को सेट कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।